ये है हमारी रिएक्शन और इधर है हमारी एनर्जी। सुनो भाई, मैंने जो रिएक्टेंट लिए थे ए प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस डी, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है। हर स्पीसीज के पास अपनी एनर्जी होती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं या कोलिजन होने से पहले उनके अंदर इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। लेकिन हमारा एनर्जी बैरियर जो है वो ये है। इस एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं। अगर इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर नहीं बनेगी तो ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अब इसकी इतनी एनर्जी पहुंचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी रिएक्शन को चाहिए। आप कैटलिस्ट डाल सकते हैं, आप रेडिएशन दे सकते हैं, आप उसको हीट कर सकते हैं। समझाया आपको? ठीक है, जो भी उस रिएक्शन का प्रोसेस होगा वो उसको करना पड़ेगा। और मान लो हम एनर्जी देते हैं इसको, हमने इसको एक्शन एनर्जी दी है किसी भी तरीके से, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है? इतनी है। हमने दी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी, ये रिएक्शन जहाँ बैठी थी, जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती गई, जैसे इसकी एनर्जी इतनी पहुँची या इससे ज़्यादा पहुँची, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ठीक है, टू चेंज इन टू प्रोडक्ट। अगर एनर्जी रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड से ज़्यादा भी हो जाएगी तब भी वो क्या होगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और समझाया? मिनिमम 33% मिनिमम नंबर है 12th को क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए। लेकिन अगर आपके 80% आ जाते हैं तो तब भी तो आप पास हैं, अच्छे नंबरों से पास हैं और फास्ट हैं, है ना। ऐसे जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी जल्दी, उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। मिनिमम एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी दी और जे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। समझाया? बोलो समझाया। और जे जो एक्स्ट्रा एनर्जी, अपनी एनर्जी, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जे जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको लिखते हैं EA से। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट स्पीसीज सो दैट इट्स एनर्जी बिकम इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कोई मुश्किल है? बोलो। ओ एक्स्ट्रा बैठो। द एक्स्ट्रा एनर्जी विच प्रोवाइड टू द रिएक्टिंग स्पीसीज सो दैट इट्स एनर्जी बिकम इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझाया? जहाँ ऐसे मान लो कि लॉन्ग जंप हाई जंप की बात कर रहे थे, 4 फुट का हाई जंप था, एक बच्चा आया उसे 3.5 लगा, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ क्योंकि एनर्जी कम थी उसके अंदर, ठीक है। कितना होता है? तो जितना भी है सुनो, लेकिन फिर वो बाहर गया, पुख की दुकान पे गया, वहाँ उसने बर्फ़ी खाई, चाय पी, दूध पिया, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, एनर्जी इंक्रीज हो गई और फिर उसने जंप लगाया, वो पास हो गया। तो यही है एक्स्ट्रा एनर्जी। देखो अगर हम बीमार हो जाते हैं शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, डॉक्टर क्या करते हैं? जड़ से ग्लूकोज लगाते हैं, तुरंत एनर्जीदायक। ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जो हमें डायरेक्ट एनर्जी देता है ना, तो एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है और हम थोड़े ठीक हो जाते हैं। भैया आप सुनाओ, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए से लिखते हैं, और ई ए इज इक्वल टू ई टी माइनस ई आर। समझ आया आपको? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आपको